हेलो एवरीवन, टीचिंग बायोलॉजी में आज का जो टॉपिक है वो है रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज़। ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि जो भी रिसर्च इंस्टीट्यूट हैं फिशरीज़ के इंडिया के अंदर, या तो हेड क्वार्टर के बारे में पूछा जाता है या फिर एस्टेब्लिश कब हुए हैं। ये दो क्वेश्चन जो हैं बनते हैं हर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट के रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट होते हैं, एक्चुअली इनका जो काम होता है ट्रेनिंग देना, एग्जीबिशंस करवाना, वर्कशॉप करवाना, सेशन लेना, तो किस तरह से जो फार्मर्स हैं उनको मोटिवेट करना, उनको गाइडेंस देना, बहुत सारे इनके काम होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, जिसको हम कहते हैं CIBI। देखिए, जो CIBI है ये वर्क करता है अंडर आई सी ए आर वर्क करता है। इसका अगर हम हेड क्वार्टर की बात करें, इसका हेड क्वार्टर जो है वो है चेन्नई। ओके, चेन्नई इसका हेड क्वार्टर है, जो कि तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। और यहाँ जो मेन कैंपस जो है, अगर हम कैंपस की मेन जगह को देखें, वो है राजा एनामालापोरम जो है ये इसका कैंपस है यहाँ पे। और अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, 1987 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, तो इसका जो मेन काम ये है कि ट्रेनिंग देना, वर्कशॉप करवाना, सेशन करवाना, वो एग्जीबिशंस करवाना, ये इसका मेन जो है काम है। ठीक है, इसके मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कोस्टल इंजीनियरिंग फॉर फिशरीज CICEF का अगर हम बात करें, इसका जो हेड क्वार्टर है ये बेंगलोर के अंदर है, बेंगलोर कर्नाटका। 1968 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। कब हुआ है? CICEF। इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्या है? फॉर कंडक्टिंग इंजीनियरिंग एंड इकोनॉमिक इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रिपेयरिंग द टेक्नो इकोनॉमिक फिजिबिलिटी रिपोर्ट्स, TEFR इसका जो है मेन है। ओके, उसके बाद जो है वह सेंट्रल इनलैंड कैप्चर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट CICFRI। CICFRI का अगर हम हेडक्वार्टर देखें, इसका हेडक्वार्टर है बैरकपुर, वेस्ट बंगाल के अंदर। ओके, और 1947 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर CIFA। सीफा की अगर हम बात करें, हेडक्वार्टर ये है भुवनेश्वर ओडिशा के अंदर। ओके, और 1987 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन CIFE। CIFE का जो है वो है महाराष्ट्र के अंदर। ओके, ये एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है। सीफा जो है एक डीम्ड यूनिवर्सिटी है, और ये एस्टेब्लिश कब हुई है? 1961 में। बहुत सारे एजुकेशनल जो प्रोग्राम्स होते हैं ये कंडक्ट करती है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन CIFE। ओके, तो महाराष्ट्र में ये किस जगह है ये भी पूछ सकते हैं। महाराष्ट्र तो इस स्टेट है, स्टेट के अंदर अगर पूछा जाए ये मुंबई के अंदर है। कहाँ पे है ये? मुंबई के अंदर है। और मुंबई में किस जगह पे है? वेरसोवा के अंदर। किसके अंदर है? वेरसोवा के अंदर। बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी CIFNET, ये है कोची के अंदर, केरला, COCHIN KERALA केरला के अंदर। 1967 में ये एस्टेब्लिश हुई है, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज नॉटिकल इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी CIFT जो है ये भी कोचीन केरला के अंदर है ये। ओके, और ये एस्टेब्लिश हुई है 1957। ठीक है, शिफ्ट 1957। फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया FSI, फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया की अगर हम बात करें, ये मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, और ये फिशरी सर्वे ऑफ इंडिया है, ये भी 1947 में ये एस्टेब्लिश हुई है। इंटीग्रेटेड फिशरीज प्रोजेक्ट
आईएफपी का जो हेडक्वार्टर है वो है कोची के अंदर, और 1963 में ये एस्टेब्लिश हुए, 1963। ओके, मैरीन मैरीन प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, MPEDA, MPEDA है जो इसका जो हेड क्वार्टर है वो है चेन्नई तमिलनाडु, चेन्नई तमिलनाडु के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और एस्टेब्लिशमेंट की अगर हम बात करें 1972 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज, NRCCW, NRCCW की अगर हम बात करें, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज, तो इसका जो हेडक्वार्टर है ये हल्द्वानी में है, और हल्द्वानी जो है ये उत्तराखंड के अंदर आती है। कहाँ आता है? उत्तराखंड के अंदर। और इसकी अगर हम एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1937 में इसको एस्टेब्लिश किया गया है। ओके, नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर कोल्ड वाटर फिशरीज, NRCCW। ओके, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, NBFGR, ये इसका हेडक्वार्टर की बात करें ये है लखनऊ, और लखनऊ जो है ये आता है यूपी के अंदर। और एस्टेब्लिशमेंट की बात करें 1983 में जो है ये एस्टेब्लिश हुआ है। ओके, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, NBFGR, लखनऊ उत्तर प्रदेश, 1983 में ये हुआ है एस्टेब्लिश। नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव लिमिटेड, FISHCOPED, नेशनल फेडरेशन ऑफ फिशरीज कोऑपरेटिव लिमिटेड, इसका जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली के अंदर है। और ये एस्टेब्लिश कब हुआ है? 1980 में इसका एस्टेब्लिश हुआ है, 1980 में हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, एस्टेब्लिश हुआ है 1980 में। इसका मेन मोटो क्या है? ठीक है, इसको हम थोड़ा देख लेंगे। मेन मोटो इसका क्या है? टू प्रमोट एंड डेवलप द फिशरी कोऑपरेटिव मूवमेंट इन इंडिया, और टू एजुकेट गाइड एंड असिस्ट फिशर्स इन देयर एफर्ट्स टू बिल्ड। ओके, तो ये इसका मेन मोटो है। उसके बाद आता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज पोस्ट हार्वेस्ट टेक्नोलॉजी एंड ट्रेनिंग, NIFPHATT, और ये डिपार्टमेंट फिशरी है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डायरी के अंदर आ जाते हैं। इसकी हम हेडक्वार्टर की बात करें कोची, और जिसको आप कोचीन भी कहते हैं, केरला के अंदर है ये, और ये एस्टेब्लिश हुआ है 1952 के अंदर, 1952 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ है। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी, CAA, ये एक अथॉरिटी जो है, इसका हेडक्वार्टर कई बार पूछा गया है, चेन्नई के अंदर है इसका हेडक्वार्टर। कहाँ पे है? चेन्नई के अंदर है इसका हेडक्वार्टर, 2005 में ये एस्टेब्लिश हुई है। कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी जो है इसका हेडक्वार्टर चेन्नई के अंदर है। ओके, डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च, DCFRICR, देखिए जो डायरेक्टोरेट है कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च का, ये अंडर वर्क करता है ICAR। इसका जो हेडक्वार्टर है, इसका हेडक्वार्टर है नैनीताल के अंदर। कहाँ पे है? भीमताल, नैनीताल, UK, उत्तराखंड। 1987 में ये एस्टेब्लिश हुआ है। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये, यार जो डायरेक्टोरेट है कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत सारा जो है ये फंक्शन इसके हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। इसके बारे में आप पढ़िएगा थोड़ा बहुत, गूगल से भी आपको इसके बारे में पढ़ जाएगा तो अच्छा रहेगा। जो आप डायरेक्टोरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज रिसर्च जो है उसकी वेबसाइट पे जाइए, और वहाँ पे चेक कीजिए क्या क्या कुछ वहाँ पे आपको मिलेगा, जो भी रिसेंटली जो जो भी डेटा होगा वहाँ पे कोल्ड वाटर रिलेटेड, वो भी आपको वहाँ पे अपडेटेड मिलेगा। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड, NFDB, NFDB का जो हेडक्वार्टर है ये हैदराबाद के अंदर है। ठीक है ना, किसके अंदर है? हैदराबाद के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, और 2006 में इसको सेटअप किया गया है। ठीक है ना, नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड, NFDB, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हैदराबाद के अंदर है, जो कि देखते हैं फिशरीज सेक्टर को, फिश के कल्चर को, प्रोसेसिंग को, मार्केटिंग ऑफ फिश को, कौन से एप्लीकेशंस जो हैं, मॉडर्न टूल्स हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट उसको किस तरह से यहाँ पे ऑप्टिमाइज करना है, प्रोडक्टिविटी देखनी है, तो बहुत सारे जो हैं इसके फंक्शन हैं। और हम बात करें ये जो बोर्ड है NFDB, इस बोर्ड का जो हेड होता है उसको हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव। क्या कहते हैं? चीफ एग्जीक्यूटिव।
तो मे बी आपको ये भी पूछ सकते हैं कि आप बताइएगा जी, जो आज जो है कौन है इसका चीफ एग्जीक्यूटिव, कौन है नेशनल फिशरी बोर्ड का। तो अगर आप इसके बारे में ज़रा पढ़ना चाहोगे या पढ़ना भी होगा क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, तो डॉक्टर सुवीरना चंद्रा पगड़ी जो है आईएफएस, इसकी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं किनकी, एन एनएफडीबी की। ओके, ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं। मे भी आप देखिएगा, वेबसाइट पे जाइएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के अंदर आता है और बहुत ज़्यादा रोल है इसका एनएफडीबी का, और बड़ा इंपॉर्टेंट भी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्यों ना हो, क्योंकि इसका क्वेश्चन कई बार पूछा गया है हेडक्वार्टर के बारे में कि आप बताइएगा इसका हेडक्वार्टर क्या कहाँ पे है। तो अगर आपने पढ़ा होगा तो आप बता सकते हैं कि हैदराबाद के अंदर है और 2006 में ही सेटअप हुआ है, और चीफ एग्जीक्यूटिव इसके बदलते रहते हैं, और आप हमेशा जब भी जाएंगे एग्ज़ाम के लिए तो इसके बारे में पढ़िएगा हमेशा कि कौन अभी उस पर वर्क कर रहा है, कौन अभी एक्टिव है। तो अभी अगर हम बात करें जो डॉक्टर सुवर्णा चित्रपगड़ी जो है आईएफएस, ये चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एनएफडीबी के। ओके, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट था एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये तकरीबन हमने 20 जो टॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट है फिशरीज़ के उसके बारे में ये लेक्चर हमने लाया था। तो और भी देखेंगे जो इम्पॉर्टेंट बनेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो भी और लेके आएंगे, लेकिन ये आप मिस नहीं करना, क्योंकि जो भी एग्ज़ाम हो फिशरीज़ के, जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे आप इंस्पेक्टर का दे रहे हो, चाहे आप डिप्टी इंस्पेक्टर का दे रहे हो, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपको सिर्फ डिप्टी और जो इंस्पेक्टर है वही एग्ज़ाम हो, बहुत सारे होते हैं, फिशरीज़ डेवलपमेंट ऑफिसर भी होता है एफडीओ, ठीक है। तो इसलिए आप किसी भी फिशरीज़ के डिपार्टमेंट, फिशरी के रिलेटेड आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो तो उसके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप देखिएगा, पढ़िएगा, जानिएगा, और ऐसा होगा कि आपको एक मे बी अगर आपको किसी इंस्टीट्यूट के बारे में ज़रा पढ़ना हो तो आप जो लिस्ट, जो जो 20 रिसर्च इंस्टीट्यूट मैंने बताए हैं, उन्हीं 20 रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में आप विकीपीडिया भी खोल सकते हैं या फिर आप उनकी वेबसाइट पर जाकर भी उनके बारे में जान सकते हैं। ओके, तो आप देखते रहिए टीचिंग बैच, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।